अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड टेकलाइन इस्लामिक इंफो। हमारा आज का टॉपिक है पंप एंड एनर्जी एंड हम आपको विजिट करेंगे पंप रूम का। मैं देखते हैं आज दुबई में बहुत गर्मी भी है, गर्मी की वजह से पसीना बहुत आ रहा है और पानी भी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, ज़्यादा अंदर पंप रूम के अंदर शोर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आवाज़ में प्रॉब्लम बन सकती है। Four pumps which here is the name of the pump room impeller. Pump room impeller is the centrifugal type impeller. This is the impeller eye and suction point. This is the discharge point and impeller body. Viewers, ये है pump, इसको हम centrifugal टाइप कह सकते हैं। दो टाइप के पंप होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप, बाद में भी प्रॉब्लम होती होगी। दिस इज द फ्लेक्सिबल एंड एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व। दिस इज वर्किंग ऑफ एनआरवी, दे विल वाटर इज कम फ्रॉम अप साइड एंड दे विल नॉट कम टू बैक साइड। जो फंक्शन है इसकी, वर्किंग है, इसमें से जो वाटर है वो ऊपर तो जा सकता है लेकिन इसमें से कम बैक डाउन साइड नहीं आ सकता। क्यों? ये इसीलिए लगाया जाता है कि जो पंप के ऊपर वाटर का लोड है वो उसको हम मैनेज कर सकें। अगर पूरे सिस्टम का लोड पंप के ऊपर आएगा तो उसकी वजह से इंपेलर के ऊपर लोड ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से हम ये एनआरवी लगाते हैं कि जो एनआरवी है ये वाटर को ऊपर तो जाने देगा लेकिन इस ब्रांच में से वाटर को नीचे नहीं आने देगा। ये इसका फंक्शन है।